सीमा हैदर अपने प्यार सचिन के लिए सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई, लेकिन सीमा शक के दायरे में है क्योंकि उसने सभी गैर कानूनी तरीके अपनाए भारत में एंट्री करने के लिए। इस कड़ी में एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। भारत नेपाल के पानी टंकी बॉर्डर से एसएसबी के 41वीं बटालियन के जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए 40 वर्षीय चीनी नागरिक का नाम योगजिंग पेंग बताया गया है। एसएसबी के 41वीं बटालियन के पानी टंकी इंडो नेपाल सीमा पर तैनात बीआईटी कर्मियों ने नियमित जांच के दौरान जब इस शख्स से पहचान पत्र मांगा तो इसने दिखाने से मना कर दिया, जिसके बाद शक होने पर तलाशी ली गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तलाशी के दौरान इस चीनी नागरिक के पास से नेपाल और चीन के पासपोर्ट के अलावा कई कागजात बरामद किए गए। साथ ही 46,860 रुपया नेपाली करेंसी, 6,390 रुपया इंडियन करेंसी और डॉलर भी बरामद किया गया। इसके बाद इस शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर खोरीबारी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसी है और अब ये चीनी नागरिक भी भारत आने पर पकड़ा गया। ऐसे में नेपाल बॉर्डर से लगातार विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या नेपाल में मौजूद कोई नेटवर्क है जिसने सीमा और इस चीनी नागरिक को भारत भेजने का काम किया है? 6 महीने पहले नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे एसएसबी की टीम ने गिरफ्तार कर किशनगंज पुलिस के हवाले किया था। वह फर्जी कागजात पर हवाई सफर कर बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ी गई थी और फिलहाल किशनगंज जेल में बंद है। ऐसे में जहां एक तरफ जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, वहीं सवाल ये भी है कि अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश से महिलाओं को चोरी छिपे भारत भेजने के पीछे की मंशा क्या है।